हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 3.4 के क्वेश्चन कर लिए थे। इसी प्रकार से थर्ड मिसलेनियस यानी तीसरी विविध के क्वेश्चन भी सिंपल ही है, बहुत सिंपल होंगे। आज हम इसका चौथा चैप्टर गणितीय आगमन का सिद्धांत ये स्टार्ट करें। देखो इसमें तीन चीजें याद रखनी है, गणितीय आगमन सिद्धांत से कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो तो फर्स्ट आपने क्या करना है, n बराबर 1 के लिए कथन सिद्ध करना है, भी सत्य है। फर्स्टली क्या करोगे, n बराबर 1 पुट करोगे और ये देखोगे p1 सत्य है। फिर सेकंड स्टेप आपने इसमें क्या करोगे, n बराबर k पुट करोगे, n की जगह पर क्या पुट करोगे k, और k के लिए मान के चलोगे, माना ये n बराबर k के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। पहले क्या करना है, n बराबर आपने 1 रखना है, p1 सत्य है, वो सिद्ध करना है। फिर सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, n बराबर k पुट करोगे और मान के चलोगे, माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। फिर थर्ड स्टेप, थर्ड में क्या करोगे, n बराबर k प्लस 1 पुट करोगे, n बराबर k प्लस 1 पुट करोगे और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करोगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करोगे। सिर्फ तीन स्टेप करने हैं आपने, पहले n बराबर 1 रखना है, p1 सत्य सिद्ध करना है, n बराबर k के लिए मान के चलेंगे दिया गया कथन सत्य है और n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। देखो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल n एलिमेंट है, कैपिटल n नेचुरल नंबर का है एलिमेंट या बिलोंग्स करता है इसमें, तो क्या बोलता है इसमें, गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 1 + 3 + 3 की स्क्वायर प्लस डैश 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 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल में 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2। ये गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें इसको सिद्ध करना है। देखो इसमें मान के चलेंगे, माना दिया गया कथन pn है, ये मान लेंगे माना दिया गया कथन क्या है pn, तो pn यहां क्या लिखेंगे, 1 + 3 + 3 की स्क्वायर प्लस डैश 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 3 की पावर n माइनस 1 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 अपॉन में कितना है, ये मान लिया pn है ये पूरा कथन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट इसमें क्या करोगे, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखते हैं यानी p1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, इसमें और रखते हैं यहां पर 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन में 2, 3 माइनस 1 अपॉन में 2 तो 2 अपॉन में 2 ये कितना आ गया 1, तो लेफ्ट हैंड साइड ये होगी, ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, दिया कथन सत्य है। सेकंड में n बराबर स्मॉल k रखने पर n की जगह क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे, p k यहां पर 1 + 3 + 3 की स्क्वायर प्लस डैश 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 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल में 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन में, क्या बताया सेकंड स्टेप में, n बराबर k रख के मान के चलोगे, माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है, n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। देख लो इसमें क्या किया, सबसे पहले n बराबर 1 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, फिर n बराबर k रखा तो इसके लिए मान के चले दिया गया कथन क्या है सत्य है। अब स्टेप थर्ड ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसमें n बराबर
प्लस वन रखने। थर्ड स्टेप क्या करते हैं इसमें हम, एन बराबर के प्लस वन रखने पर, तो क्या आएगा यहां से पी के प्लस वन, फिर इस प्रकार की वन प्लस थ्री की स्केयर डैश 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 के प्लस वन रखना है इनकी जगह, के प्लस वन माइनस वन इक्वल में थ्री की पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन में यहां से लेकर यहां तक ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसके इक्वल इसको प्रूव करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया इसमें, वन प्लस थ्री की स्क्वायर थ्री की पावर के प्लस वन माइनस वन। अब देखो ये तो के तक है, के प्लस वन तक वैल्यू, के प्लस वन से वैल्यू कौन सी पहले आएगी, के वन वैल्यू आएगी। अगर एन की बात करें, एन प्लस वन वाला ये पद हो तो एनवा पद निकालते हैं इसके आगे वाला, k प्लस वन आया तो k वन पद यहां पर क्या होगा, थ्री की पावर k माइनस वन, ये होगा प्लस वन, ये हट गए, ये यहां तक k प्लस वन तक है। अब इसकी बात करें यहां से यहां तक इसकी वैल्यू हमारे पास इसमें है, इसको देखते हैं समीकरण एक, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, थ्री की पावर k माइनस वन अपॉन में टू। तो समीकरण एक से समीकरण एक से इसकी वैल्यू रख देते हैं, यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी, थ्री की पावर k माइनस वन अपॉन में टू, थ्री की पावर k माइनस वन अपॉन में, और प्लस में हमारा यहां पर ये क्या चल रहा है, थ्री की पावर प्लस वन माइनस वन कैंसल, थ्री की पावर की प्लस में क्या चल रहा है, थ्री की पावर की। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ गया इसका टू, ऊपर क्या आ गया थ्री की पावर के माइनस वन प्लस टू इंटू थ्री की पावर की प्लस में टू इंटू थ्री की पावर की। देखो यहां से अब इसको इतने में से थ्री की पावर के कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा यहां पर, थ्री की पावर के तो कॉमन ही आ गई तो वन रहेगी, यहां पर क्या रहेगा टू, वन प्लस टू, थ्री की पावर के कॉमन लिया माइनस में इसके क्या चल रहा है वन और अपॉन में टू, इस कितने को सॉल्व किया इसमें से क्या ले लिया, थ्री की पावर के कॉमन ब्रैकेट में रह गया वन प्लस टू, तो थ्री की पावर के इंटू थ्री माइनस वन अपॉन में टू, पावर वन आएगी थ्री की पावर ए इंटू थ्री की पावर बी, तो पावर जुड़ जाती है कितना आएगा, थ्री की पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन में टू, ये इसमें प्रूव करना है ये किसके इक्वल है, राइट आंसर। इस प्रकार से गणितीय आवरण सिद्धांत द्वारा क्वेश्चन सोल्व, अतः दिया गया कथन गणितीय आवरण सिद्धांत द्वारा ये क्या है, सत्य है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, वन की क्यूब प्लस टू की क्यूब, पहले तो इसको मान लेते हैं, माना ये कथन पीएन, मैं इसका सॉल्यूशन ही करवा, पीएन वन की क्यूब प्लस टू की क्यूब प्लस थ्री की क्यूब डैश 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 स्मॉल एन की क्यूब इक्वल है स्मॉल एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू और इसकी होल, ये सबसे पहले आपको क्या पता है, एन बराबर वन रूट करें तो यहां से एन बराबर स्टेप फर्स्ट एन बराबर वन रखने पर P1 की वैल्यू यहां से कितनी है, 1 की क्यूब, यानी ये कितनी है 1, ये तो क्या है हमारी राइट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा एन की जगह क्या प्रूव करना है 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में 2 और इसकी होल स्क्वायर, तो 1 इंटू 2 अपॉन में 2 की होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल 1 की स्क्वायर कितनी आ गई 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, तो एन बराबर वन के लिए d
दिया गया कथन क्या है? सत्य। अब स्टेप सेकंड इसका एन बराबर क्या रखना है? आपको स्मॉल के रखने पर, तो देखो इसमें एन बराबर स्मॉल के रखने पर एन के लिए स्मॉल के रखते हैं पी के वन की क्यूब प्लस टू की क्यूब प्लस थ्री की क्यूब डैश 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 ए की क्यूब एन के लिए के पुट करना है इक्वल में के इंटू के प्लस वन अपॉन में टू और इसकी होल्स। इसको देखते हैं समीकरण वन क्या पाएगा। माना एन बराबर के लिए दिया गया कथन सत्य है। एन बराबर के लिए सत्य है मान के चले। फिर बात आती है स्टेप थर्ड की। इसमें स्टेप थर्ड क्या करना है? एन बराबर के प्लस वन रखनी है। एन बराबर के प्लस वन रखने तो पी के प्लस वन वन की क्यूब प्लस टू की क्यूब प्लस थ्री की क्यूब डैश 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 के प्लस वन की क्यूब इक्वल भी के की जगह वन पुट करना है तो यहां पर के प्लस वन पुट करना है के प्लस वन ये यहां से के प्लस वन ये हो गया। इसमें मंथली रेट से कर देते हैं इसको और अपॉन में टू और इस पूरे की होल्स। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड यहां से लेकर यहां तक वन की क्यूब प्लस टू की क्यूब प्लस थ्री की क्यूब डैश 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 के प्लस वन की होल। ये के प्लस वन वा पद है इससे पहले के वा पद क्या होगा? यहां पर के वा पद के की क्यूब ये होगा। यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू हमें पता है कौन सी? समीकरण एक में। तो यहां पर इसमें समीकरण एक का यूज करेंगे। समीकरण एक से कितनी है इसकी वैल्यू? के इंटू के प्लस वन अपॉन में टू और इसकी होल स्क्वायर और प्लस में क्या पता है इसकी के प्लस वन की। यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू रखी है ये k प्लस वन वा पद था इससे पहले कौन सा पद आएगा? k वा पद और इसकी वैल्यू ने दी है क्योंकि n बराबर k के लिए ये कथन क्या है? सत्य मान के चले। अब इस पूरे में से कॉमन क्या है? k प्लस वन की होल स्क्वायर कॉमन आ रही तो k प्लस वन की होल स्क्वायर कॉमन है। यहां पर क्या रहेगा? k बटे दो इसकी होल स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर अपॉन में फोर प्लस k प्लस वन की क्यूब है स्केयर कॉमन ले ली तो यहां पर क्या रहेगा? k प्लस वन के प्लस वन। अब इसका लेते हैं एलसीएम यहां से तो एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आएगा? k प्लस वन की होल स्केयर इनटू एलसीएम लेंगे यहां से फोर ऊपर क्या है k स्केयर प्लस फोर इंटू के प्लस वन तो k प्लस वन की होल स्केयर इंटू के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस में फोर अपॉन में फोर। इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास के प्लस वन की होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस टू इंटू टू के इंटू में वन प्लस टू की स्क्वायर टू ए बी ए की वैल्यू के है और बी की वैल्यू कितनी है? टू। टू ए बी टू इंटू के इंटू टू 4k हो गए अपॉन में 4 तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसका फार्मूला होता है तो k प्लस 1 की होल स्क्वायर इनटू k प्लस 2 की होल स्क्वायर और अपॉन में 4 यहां इसको क्या लिख सकते हैं? k प्लस 1 इनटू k प्लस 2 अपॉन में 2 और इस पूरे की होल स्क्वायर। यहां हमें क्या लिखना है? के प्लस वन प्लस वन क्योंकि प्लस टू बनाना है तो इसको लिख सकते हैं यहां से के प्लस वन इंटू के प्लस वन प्लस वन क्योंकि के प्लस वन प्लस वन प्लस टू ही होंगे और अपॉन में टू और इसकी होल्स इक्वल में राइट हैंड साइड।
एक प्रकार से आप प्रूव करोगे, पहले एन बराबर वन पुट करोगे, फिर एन बराबर के, फिर एन बराबर के प्लस वन, के प्लस वन वाले में जब लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो उससे पहले के वहां पर, के लिए हम सत्य मान के चलेंगे कि वैल्यू रख दो, उसके बाद सॉल्व करना है। अतः दिया गया कथन सत्य है, अतः दिया गया कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है, अर्थात पी के प्लस वन सत्य है, अर्थात पी के प्लस वन क्या है सत्य है। उसके बाद इसमें लिखोगे, अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए ये क्या है सत्य है, अतः सभी प्राकृत संख्याओं के लिए ये क्या है सत्य है, स्मॉल एन एलिमेंट कैपिटल एन के लिए सत्य है, कैपिटल एन क्या है प्राकृत संख्या। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन करके देखो, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर भी इसमें कोई अगर आपको डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।